अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शहजाद फ्रेंड जो बस स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। इस एक्सरसाइज 2.5 के अंदर भी हम यही दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। लेकिन पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर जो है उनका स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते हैं, और उससे पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड होल नंबर का या किसी नेचुरल नंबर का जो है हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। आज भी टॉपिक वही है हमारा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। लेकिन आज हमारे पास जो है नंबर है वो डेसिमल्स दिए गए, डेसिमल फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इनका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, हमें लिखना है 1.21 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और 1.21 इक्वल होता है 121 और 100 के इक्वल आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, इसके पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे आप जानते हैं हम 1 लगाते हैं, आगे जितने नंबर हों जितने डिजिट हों उनकी जगह पे आप 0 पुट कर देते हैं डिनोमिनेटर में। सो अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 121 11 पे डिवाइड होता है, हम जानते हैं 121 11 का स्क्वायर है, तो ये जो है 11 पे मुकम्मल डिवाइड होता है, 11 का और 11 1 इज 11 आ जाएगा। इस तरह से आप 100 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 100 के प्राइम फैक्टर आप 2 को डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है, 2 5 का 10 ये 0 वापस आ जाएगी, फिर से 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जार 4 1 इधर कैर जाएगा 10, 2 5 जार 10 इसको लिख लेना है 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने इसको अलग अलग कर देना है, इसके स्क्वायर रूट को ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम जानते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा 11, इसके भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ जाएगा 11 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10। चूंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने आंसर निकालना होता है क्वेश्चन के मुताबिक, अगर क्वेश्चन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप आंसर मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, अगर क्वेश्चन हमारे पास 1.25 जैसे डेसिमल की शक्ल में आए तो आप इसका आंसर भी डेसिमल की शक्ल में निकालेंगे, तो आप इसको 11 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे, 11 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 1.1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि स्क्वायर रूट है किसका 1.21 का, आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इज इक्वल टू 1.1 आता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना था, पहले तो आप इसकी पॉइंट खत्म कर लेंगे, ये उसी तरह से आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा पी और क्यू फॉर्म में, तो इसका आप दोनों के न्यूमिनेटर के और डिनोमिनेटर के आपने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने हैं, वो पुट करके बिल्कुल सेम मेथड से जैसे हमने पिछले सवाल किया था वैसे ही करना है। इसके एक और पार्ट भी देख लें, ये 12.25 इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आप लिख लेंगे 12.25 स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप इसके ऊपर पहले सबसे पहले स्क्वायर रूट डालेंगे, 12.25 स्क्वायर रूट इज इक्वल आ जाएगा 12.25, मैंने कहा पॉइंट आएंगे, पॉइंट की जगह पे 1, आगे दो डिजिट आए तो इन दोनों डिजिट की जगह पे 0 पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में, ये इसकी पॉइंट आंसर हो गई, ये आगे इसका स्क्वायर रूट। अब आपने कोई प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो आपने इनके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं 1225 का स्क्वायर रूट, 1225 का है आपने प्राइम फैक्टर बनाना है, जिस नंबर के आखिर पे 5 हो हम जानते हैं वो किस पे डिवाइड होता है 5 पे, आप ये डिवाइड हो सकता है 5 पे, 5 2 10
टू कैरी जाएगा 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, दो कैरी जाएगा फिर से इधर 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, अगेन आप इसे 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 4 इधर कैरी जाएगा 45, 5 9 जा 45, अब 49 किस पे डिवाइड होता है, 7 बार, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है 7, 7 जा 49 और 7 1 इज 7, 100 को आपने फैक्टराइज करना है, 100 हम जाते हैं, इवन नंबर है, दो पे डिवाइड होता है, 2 5 जा 10, 0 दो पे डिवाइड नहीं होता है, सो आप इधर पुट कर देंगे 0 वापस, जब डिवाइड ना हो तो आप आंसर में 0 लगाएंगे, अब ये फिर से इवन नंबर है, दो पे डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 इधर कैरी जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 25 5 परफेक्ट स्क्वायर है और 5 1 इज 5 आ जाएगा, सो आपने इसको प्राइम फैक्टर इसके पुट कर देना है, 225 का प्राइम फैक्टर है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 100 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर a और b होल अंडर रूट है तो आप इसको लिख सकते हैं a अंडर रूट ओवर b अंडर रूट, आप इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में ये भी आया कि अगर a मल्टीप्लाइड बाई b होल अंडर रूट हो तो आप इसको a अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई b अंडर रूट लिख सकते हैं, इस तरह से लिखकर हर एक नंबर का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ इसका कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप करने में बेहतर है, नहीं करने भी यहीं पर भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, इस तरह से ये 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, अब यह आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे 5 को 5 के साथ काट देते हैं, काटना नहीं है इसको, आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा ये आ जाएगा 35 और 2 5 जा आ जाएगा 10, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वो डेसिमल पॉइंट शक्ल में है तो आपने इसका आंसर भी डेसिमल की फॉर्म में निकालना है, 35 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.5 जो कि स्क्वायर रूट है 12.25 का, नीचे लिख देंगे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इक्वल टू 3.5 होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने दोनों मेथड को आज डिस्कस करना है, एक्सरसाइज 2.55 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो ये था हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हमने आज उसके दो पार्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन के, अच्छा जो दूसरा क्वेश्चन है वो डिवीजन मेथड का है, एक और बात बताता जाऊं आपको वो ये है कि आपने यहां पर 12.25 लिखा है, इन स्टेप पे अगर नहीं लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आखिरी आखिरी स्टेप पे लिखना जरूरी है, यहाँ पे आकर दोबारा इस नंबर को आखिरी आखिरी स्टेप पे जरूर लिखेंगे, अब ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 2.5 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने स्क्वायर रूट डिस्कस करना है बाय डिवीजन मेथड है, वो भी डेसिमल के लिए है, अब डेसिमल के लिए हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते हैं देखें, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड करना है 0.3249 का स्क्वायर रूट, सेकंड पार्ट है आपने फाइंड करना है 20. ये वाला फोर्थ पार्ट है 20.5209 और एक और इसको पॉइंट पार्ट है डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट है वो है 23.5
2374.6129। ये आया आपके पास क्वेश्चन, इसके थ्री पार्ट हमने लिखे हैं। और क्वेश्चन नंबर टू है, इसको हमने आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 0.3249 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहला काम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या होता है, क्या आपने इनके पेयर बनाने होते हैं। अब मैंने आपको बताया था पेयर जो है होल नंबर के और डेसिमल नंबर के कैसे पेयर बनाते हैं। देखें, अब ये डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट होते हैं उनके पेयर आप लेफ्ट टू राइट बनाते हैं। इधर से बनाएंगे लेफ्ट टू राइट। देखें, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट हैंड है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे जब पेयर बनाएंगे इसके डेसिमल पार्ट के। इसके डेसिमल पार्ट के पेयर बनाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। होल नंबर के या होल पार्ट के पेयर उसी तरह से ही बनाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था पहले, वो राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। इसके पेयर आप राइट टू लेफ्ट बनाएंगे और जो डेसिमल पार्ट है इसके पेयर आप लेफ्ट टू राइट, इसके पेयर इधर से बनाने हैं। या दूसरे लफ्जों में मैं आसान तरीके से समझाता हूं आपको, आप रखें पॉइंट के ऊपर हाथ, रखें पॉइंट के ऊपर, ये दोनों हाथ बंद करके रखें, आप अपने दोनों हाथों को खोलें ऐसे, देखें ये दोनों हाथ हमारे किस सिम्त में खोल रहे हैं। आपने देखना है, इस चीज में गौर करना है कि ये दोनों हाथ हमारे किस सिम्त में खोल रहे हैं। देखें ऐसे खोल रहे हैं, ये कहने का मतलब ये है कि जिस सिम्त में ये हाथ खोल रहे हैं उसी सिम्त में आपने पेयर उसी तरह से बनाने हैं। देखें यूं खोल रहे हैं आप, तो मतलब यह है कि जो होल पार्ट है उसके पेयर आपने इधर से इधर बनाते जाने, यहां से बनाना शुरू करेंगे होल पार्ट का। और जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट में देखें हाथ मेरा इस तरफ खोल रहा है, तो डेसिमल पार्ट का मतलब है डेसिमल पार्ट में आपने इसके जो पेयर बनाने हैं वो लेफ्ट टू राइट बनाने हैं। ये लेफ्ट टू राइट, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड, लेफ्ट टू राइट बनाने हैं। होल पार्ट के पेयर राइट टू लेफ्ट बनाने हैं। सबसे पहला काम होता है स्क्वायर रूट डेसिमल का फाइंड करने के लिए वो यही पेयर बनाना होता है। जब आप पेयर बना लेंगे तो फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला नंबर है, मैंने कहा ऐसे खुलेगा हाथ डेसिमल की तरफ, डेसिमल पार्ट की तरफ हाथ ऐसे खोलना है इस हाथ को, तो पेयर इधर से इधर बनेंगे यानी कि लेफ्ट टू राइट। ये पेयर बन गए, ये तो पहले जीरो था, इसको आप जीरो पॉइंट को जो है सबसे पहले आप ऊपर पुट कर देंगे आंसर में जीरो और पॉइंट को। जब ये पॉइंट ऊपर चली गई तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा। ये पॉइंट आपने ऊपर पुट कर दिया, अब ये जो पॉइंट नहीं है यूं समझे, इसको नेगलेक्ट कर दें क्योंकि पॉइंट आपने ऊपर लगा दिया। अब ये आपके पास कितना है 32 को आपने डिवाइड करना है, और 32 को डिवाइड करने के लिए आपने टेबल अप्लाई करनी है वो स्क्वायर वाली जो मैंने आपको पहले बताई थी, 1 × 2 × 2 × 3 × 4 × 5 × 5 × 6 × 7 × 7 इस तरह से 8 × 8 और 9 × 9 ये वाली टेबल अप्लाई करनी है। यानी कि जहां पे यूं नहीं आप इसको डिवाइड करते हैं सकते हैं 16 × 2 = 32 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है दो पर, यूं नहीं करना है। ये आपके पास टेबल है तो इसमें से ये आपने टेबल लगानी है 2 × 2 = 4 या तो 32 आए इस टेबल में से कोई आपने टेबल लेनी है या तो 32 आए या फिर उससे छोटी टेबल। तो आपने देखा 5 × 5 = 25 होता है, 6 × 6 = 36 होता है, ये बड़ा हो गया, तो आपने कौन सी टेबल लगा सकते हैं इसमें, ये हमारी सूटेबल टेबल है 5 × 5। आपने 1 × 5 इधर लगाना है इधर, यह जगह 5 × 5 = 25 माइनस करेंगे ये से कैरी लेगा 12 × 5 = 7 यह जाएगा 49, 5 + 5 यह जाएगा 10। जो नंबर यहां पर होगा वही नंबर नीचे मैंने कहा था ऐड कर देंगे, 1 है तो नीचे 1 ऐड कर देंगे, 2 है तो 2, 5 है तो 5 ऐड कर देंगे। जो 5 + 5 10 आ गया, इसी 10 को आपने दोबारा लिखना है रफ साइड पे, आपने इस 10 को दोबारा लिखना है। 10 को लिख के आपने फिर से इसी टेबल में से आगे टेबल लगानी है कि आपके पास 749 आ जाए आंसर। देखें मिसाल के तौर पर हम 6 × इसी 10 को यहां पे लिखा है, अब टेबल ये वाला यहां अप्लाई कर रहे हैं 6 × 6 ये 6006 ये वाला टेबल में आगे लगा रहा हूं, ये देखें 6 6 36
6003 का 3 आ जाएगा 636। अभी ये छोटा है इससे, तो आप इसको 7 पे डिवाइड करके देखें, ये है 7। अगली टेबल हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, 7 × 7 = 14, 7 × 0 = 0, ये आ जाएगा 4, 7 × 1 = 7, 749, 7 वाली टेबल पर। तो आप ये वाली 7, एक 7 को इधर लगा देंगे और एक 7 को इधर, और आपके पास आंसर आया 749। सो आप लिखेंगे इसका जो स्क्वायर रूट है 0.3249, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.3249 इज इक्वल टू 0.57 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इस तरह से इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 20.5209। देखें अभी मैं एक बात फिर आपको बता रहा हूँ, पॉइंट इसके सबसे पहले बनाने पेयर, आप हाथ को ऐसे खोलेंगे, डेसिमल पार्ट के पेयर इधर से बनेंगे, यूं बनाना शुरू करेंगे डेसिमल पार्ट के पेयर, ठीक है, और जो होल पार्ट होता है उसके पेयर आपने बनाना है, होल पार्ट। अब देखिए यहाँ पे हाथ रख के ऐसे हाथ खोलेगा, होल पार्ट के पेयर इधर से बनाते हैं ऐसे। अब ये है 20 आपके पास, 20 को आपने डिवाइड करना है, कौन सी टेबल लगाएंगे, देखिए 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25 बड़ा हो जाता है, तो आप कौन सी टेबल लगाएंगे, 4 × 4 = 16, यह जाएगा 16, 20 − 16 यह जाएगा 4, पॉइंट ऊपर चली जाएगी यह जाएगा 52। अब आपने यहां पर कितना ऐड कर देना है, 4 + 4 यह जाएगा 8, यहां पे आपने पेयर भी डाल लिया। अब 8 को क्या करेंगे, ये 8 को आपने दोबारा इधर लिखना है राफ साइड पे इसे 8 को, और ऐसी टेबल अप्लाई करनी है कि आपके पास 452 आ जाए, इसे छोटा नंबर आ सको। तो देखें पांच वाले टेबल में मेरे पास लगाता हूं इसके सामने, 5, 5 = 25, 5, 8 = 40 और 2 = 42, 425 आ रहा है, यही वाले सूटेबल टेबल है। अगली टेबल इससे बड़ी हो जाएगी, 1, 5 को आप यहां पर पुट कर देंगे, 1, 5 यहां पर पुट कर देंगे, ये आ गया 425, माइनस करेंगे कैरी लेगा 12 − 5 = 7, 4 यहां पर रिमेनिंग है 4 − 2 यह आ जाएगा 2। अब माइनस करने के बाद पहला काम होता है आपने पेयर नीचे उतार लेना है, ये पेयर नीचे उतार लिया, और फिर इसमें ऐड करना है क्या, जो नंबर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे होगा वही ऐड कर देंगे, 5 + 5 = 10, एक इधर कैरी आ जाएगा 8 + 1 = 9 यह आ जाएगा 90। अब आपने इस 90 को इधर राफ साइड पर लिख लेना है, 90 को राफ साइड पर लिख कर आपने टेबल अप्लाई करनी है इनमें से कि आपके पास 2709 आ जाए। तो देखें 3 × 3 के अगर आप टेबल इसके अंदर अप्लाई करें 90 के साथ, ये वाला टेबल तो 3 × 3 = 9, 3 × 0 = 0, 3 × 9 = 27 आ जाएगा 2709। तो आप 1, 3 जो है यहाँ पर पुट कर देंगे, 1, 3 यहाँ पर पुट कर देंगे आंसर में, ये आ गया 2709, रिमाइंडिंग आएगा 0, रिमाइंडर जो है। अब आपने इसका लिखा है 20.5209, इसका जो स्क्वायर रूट है किसके इक्वल आ जाएगा, 4.53 के इक्वल आ जाएगा, ये आपका आंसर है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लें, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2374.6129। भाई डिवीजन मेथड से फाइंड करना है तो सबसे पहला काम वही है, आपने इसके क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, फ्रॉम होल पार्ट है, जो होल पार्ट है उसके पेयर आपने बनाने होते हैं राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट इसके पेयर इधर से बनाएंगे, डेसिमल पार्ट है इसके लेफ्ट टू राइट बनाएंगे, ये लेफ्ट टू राइट, अब ये पेयर है और ये पेयर है, तो आपने इसको डिवाइड करना है। 23 है, 23 पे कौन सी टेबल लगा सकते हैं, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, इन्हीं में से टेबल लगानी है, तो ये आ जाएगा 16 है, ये 25 बड़ा हो जाता है, हम कौन सी टेबल अप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, माइनस करेंगे ये उससे कैरी लेगा 13 − 6 = 7 आ जाएगा 1 − 1 = 0, 74 नीचे आ जाएगा, ये पेयर नीचे उतारते हैं माइनस करने के बाद सबसे पहले, फिर यहाँ पे ऐड कर देना है 4, 4 + 4 = 8, पेयर नीचे आ गया था। अब 8 को आपने इधर लास्ट साइड पर लिखकर ये वाली टेबल लगानी है कि आपके पास 774 है, मिसाल के तौर पर मैं 5 × 5 लगाता हूँ, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 + 2 = 42, 425 छोटा है 774 से, आपने 8 को दोबारा लिख लेना है, 8 के आगे 8 की टेबल अप्लाई करें, ये 8 दोबारा लिखना है,
और टेबल इसके आगे ये वाले अप्लाई करने, अब 8 मल्टीप्लाई टू 8 में अप्लाई कर रहा हूं, 8 8 दा 64, 6 आ जाएगा कैरी, 8 8 दा 64 प्लस 6 17, 704, ये वाले टेबल सूटेबल है, 1 8 आप यहां पे लिख लेंगे, 1 8 जो है यहां पे ये आ जाएगा आपके पास 704, माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 0 7, ये 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट की बारी है, पॉइंट को आपने ऊपर पुट कर देना है, दूसरा पेयर नीचे उतारेंगे, ये वाला ये आ जाएगा 61, यहां पे कितना ऐड करना है, जो नंबर यूनिट प्लेस पे हो वही वाला ऐड कर देते हैं, यूनिट प्लेस पे 8 है तो नीचे 8 ऐड कर देंगे, 8 प्लस 8 16, 1 कर दिया जाएगा, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, ये 96। अब आपने दोबारा 96 को यहां पे लिख देना है, इस 96 को और इनमें से टेबल आगे अप्लाई करनी है कि आपके पास 7061 है, तो देखें मिसाल तौर पर मैं ये वाला टेबल अप्लाई करता हूं, 96 के आगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड 7, ये वाला टेबल 96 के आगे अप्लाई करनी है, 7749 4 कैरी आ जाएगा, 7642 प्लस 4 ये आ जाएगा 46, 4 कैरी आ जाएगा, 7963 प्लस 4 67, छोटा है अभी, आप 8 की टेबल अप्लाई करके देख लें वो बड़ा हो जाएगा, देखें आगे 8 की टेबल अप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64 6, 8 6 जा 48 प्लस 6 54, 5 कैरी आ जाएगा, 8 9 जा 72 प्लस 5 77, ये बड़ा हो जाएगा, हो गया देखें 8 टेबल अप्लाई करने से, तो हमें कौन सी टेबल सूटेबल है हमारे पास 7, 1 7 आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ये सामान इधर आपके पास आंसर आया 6769, माइनस करेंगे यह आ जाएगा, इससे कैरी लेगा 11 माइनस 9 तो 5 बच गया, या रिमाइंडर 5 है, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है, ये इससे कैरी लेगा, ये इससे लेगा, ये आ जाएगा 10, ये इससे देगा, ये हो जाएगा क्या आपके पास 15, 15 माइनस 6 यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 9, 9 माइनस 7 2, ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अब ये वाला आपने पेयर नीचे उतारना है 29 को, माइनस करने के बाद सबसे पहले पेयर को नीचे उतार लेते हैं, और इधर क्या आप ऐड करना है, जो नंबर यूनिट प्लेस पे है वही वाला ऐड कर देंगे, 7 है तो 7 प्लस 7 14, 6 प्लस 1 7 ये 9 वैसे आ जाएगा। अब आपने इसको रफ साइड पर लिख लेना है 974 को, रफ साइड पर लिखकर स्क्वायर वाले आपने टेबल अप्लाई करनी है कि आपके पास 29229 आ जाए, तो देखें 3 वाले टेबल अप्लाई करने हैं, 3 3 दा 9 या 3 4 दा 12 1 कैरी, 3 7 दा 21 1 प्लस 1 21 प्लस 1 22 हो जाएगा 2 कैरी, या जाएगा 3 9 दा 27 27 प्लस 2 29, यही आंसर आ रहा है, तो 1 3 को जो है आप यहां पे लगा देंगे, ये दिन है आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 29229, तो आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट आया आप लिखेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2374.6129 स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 48.73 के। ये आज का हमारा टॉपिक था, एक्सरसाइज 2.5 आपकी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज 2.6 शुरू करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।